राज्यसभा में कृषि विधेयक को लेकर जो ध्वनिमत से पारित किया गया, जिनकी वजह से पूरे भारत में किसान आंदोलन बन कर रहे हैं और सभी जगह पे आंदोलन अब शुरू हो चुका है। पूरे भारत बंद का ऐलान भी घोषित कर दिया गया, 25 तारीख को भारत बंद का ऐलान घोषित किया गया। किसान संगठनों ने 62 से ज़्यादा जो किसान संगठन ने उनकी कोई भी राय नहीं सरकार ने ली और तानाशाही की तरह से जो विधेयक है वो ही पारित किया गया और वो भी संसद में पारित किया गया, राज्यसभा में वहाँ पर ध्वनिमत से पारित किया गया, जिनकी वजह से विपक्ष भी नाराज है और विपक्ष के सांसदों को भी सस्पेंड किया गया, जिनकी वजह से वो पूरी रात भर उपसभापति के खिलाफ धरना दे रहे हैं और संसद परिसर में वो सो गए थे। विपक्ष के सांसदों ने पूरी रात उपसभापति के खिलाफ संसद परिसर में धरना दिया है। सुबह उपसभापति हरिवंश नारायण सांसदों के लिए खुद अपने घर से चाय और पोहा बनवा कर लेकर आए और कहा कि वो उपसभापति पद संसद के अंदर है, यहाँ सिर्फ दोस्त है, लेकिन किसानों के लिए ये सांसद पूरी रात तक वो धरना दिया बैठे है और आगे 25 तारीख को बंद का ऐलान भी किया गया है। किसान संगठनों पूरे सड़कों पर जमे हुए, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब में ज़्यादातर किसान बाहर आए और जो कृषि विधेयक पारित किया गया है जिनकी वजह से किसान बर्बाद हो जाएंगे, किसान विरोधी बिल है जिनकी वजह से वो सब किसान बाहर आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अंग्रेजी में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो अपन और अनपढ़ गवार जो किसान हैं जो अपने खेतों में से अनाज उगलते हैं और पूरा दुनिया में पूरे देश में रोटी पकती है तो किसान की वजह से, तो किसान की बात क्यों नहीं समझ रहे, यही सबसे बड़ी बात है। किसान अब बाहर सड़कों पर आ चुका है, ये इस विधायक के विरोध में, इस कृषि विधेयक के विरोध में वो बाहर आए और अभी 25 तारीख को सबसे बड़ा आंदोलन बनेगा और सब लोग इनके साथ खड़े होंगे, किसान के साथ खड़े होंगे, ये अभी दिख रहा है। एक तरफ राज्यसभा में कृषि विधेयक की ओर लेकर उपसभापति हरिवंश नारायण के खिलाफ विपक्षी दलों ने हंगामा करा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको सरकार गारंटी में क्यों नहीं बदल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह किसान अपनी रोटी बनाने के लिए जो धान उगालता है वो उसका धान की कीमत उसको नहीं मिल रही है और मोदी सरकार किसान के हित में जो कार्य करना है वो नहीं कर रही, जिनकी वजह से पूरे भारत में हजारों गांव में हजारों खेडूत है, किसान है, वो लाखों निजी लेन देन होंगे। सरकार इन लेन देन में MSP की भुगतान करने की गारंटी कैसे पूरा करेगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। किस कानून के तहत एक निजी खरीदार एक निजी लेन देन में किसान की और MSP का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए सब भी जो बिल पर बड़ा गुस्सा है, 25 सितंबर को वो फटेगा और भारत बंद का भी ऐलान घोषित कर दिया गया है किसान की ओर से। अब देखना होगा, किसान और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है और इसकी वजह से सारे संसद परिसर में बड़ा हंगामा हुआ था। कृषि विधेयक बिल को पारित करने के लिए ध्वनिमत का उपयोग किया गया और बिल को पारित कर लिया गया, जिनकी वजह से सांसद को निलंबित किया, वो संसद परिसर में अब धरना दे रहे हैं, पूरी रात वो धरना दे रहे थे और सुबह में PM और अन्य मंत्रियों ने वादा किया है कि किसान को MSP की गारंटी दी जाएगी। आप लोग से विनती है कि बताइए कैसे, सरकार को कैसे पता चलेगा कि किसान किस व्यापारी को क्या बेचा है। पूरे भारत के हजारों गांव में हजारों दिन लाखों निजी लेन देन होंगे, सरकार इन लेन देन में MSP की भुगतान करने की गारंटी कैसे पूरा करेगी, किस कानून के तहत एक निजी खरीदार एक निजी लेन देन के किसान को MSP का भुगतान करने के लिए बाध्य है, यही सबसे बड़ा सवाल है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार गारंटी क्यों नहीं कर रही है, यही किसान का सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए किसान जो कृषि विधेयक बिल पारित है उनके विरोध में 62 से ज़्यादा संगठन आए हैं और NDA का एक घटक दल पंजाब में है वो भी उनका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह किसान विरोधी ये बिल है, इसके लिए किसानों ने 25 तारीख को भारत बंद का ऐलान घोषित कर दिया। अब देखना होगा 25 तारीख के कितने किसान बाहर आ रहे हैं। एक तरफ सरकार की ओर से समझाने की कोशिश अंग्रेजी में हो रही है, लेकिन किसान गुजराती और हिंदी समझता है, वो अंग्रेजी नहीं समझता, उसको समझाने के लिए अंग्रेजी में वर्तमान पत्रों में एडवर्टाइजिंग कर दिया गया है, लेकिन रेडी।
हम लोग पूरी रात यहाँ पर धरने पर बैठे रहे, देश के करोड़ों किसानों को न्याय दिलाने के लिए, देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है उसके खिलाफ। अभी आज सुबह यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन साहब आए थे, उपसभापति जी आए थे, हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम कानून को ताक पर रख के किसान विरोधी बिल देश की संसद में पास किया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। हम लोग वोटिंग मांगते रहे, आपने वोटिंग नहीं कराई, ये बात डिप्टी चेयरमैन साहब अभी यहाँ आए थे, उनसे भी कहा गया। व्यक्तिगत ये कोई रिश्ते निभाने का सवाल नहीं है, यहाँ हम बैठे हुए किसानों के लिए और किसानों के साथ धोखा हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है, 130 करोड़ लोगों ने देखा है।